हेलो। अब एक्चुअल में मेरे पापा ने मुझे काफ़ी नॉन वेज डिशेज़ खिलाई है, चाहे वो कोरमा हो या मुगलाई डिशेज़ हो, लेकिन मेरे जो चाचा हैं वो प्योर वेजिटेरियन है, तो दादी उनके लिए एक वेज कोरमा बनाती थी जो कि सोया से बनाती थी। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर कर देखना। आजकल वैसे भी हम सब थोड़ा सा नॉन वेज अवॉइड कर रहे हैं। मैंने इसे बनाया है ऑलिव एक्टिव ऑयल के साथ। इसमें गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल है और कॉस्ट ऑलमोस्ट बाकी ऑयल के बराबर ही है, तभी तो मैं इसको अपनी डेली कुकिंग में भी यूज़ करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपको स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्री सोया कोरमा बनाने के लिए या वेज सोया कोरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्री को उबालना होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक से न्यूट्री को उबालूंगा, मतलब पानी में ही उबालेंगे आप भगवान में, बस पानी डालना। साथ में मैंने यहाँ पर नमक डाला है, एक चम्मच चीनी डाली है और हल्की सी खटास मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है। अगर आपके पास घर में विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तब भी वो बढ़िया काम करेगा। अब जैसे ही ये पानी अच्छे से उबलने लग जाए, फिर आप यहाँ पर एक कप सोया चंक्स डाल देना या न्यूट्री के डाल देना। हमें इनको यहाँ पर अच्छे से उबालना है, ये अच्छे से एक्सपैंड करने चाहिए और जो पानी में जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं ना, चीनी, नमक और खटास, ये सब एब्जॉर्ब करने चाहिए, तभी इनके अंदर तक फ्लेवर आएगा। बस जब ये अच्छे से एक्सपैंड कर जाएं, अच्छे से बॉईल हो जाएं, आप ये देखो कितने बड़े हो गए हैं, तब इनको सीधा ड्रेन आउट कर देना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अब बात कर लेते हैं कि कोरमे की ग्रेवी कैसे बनानी है। कोरमे की ग्रेवी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ाना। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ऑलिव एक्टिव ऑयल का, जिसमें ना ही सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बल्कि गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल भी है, जो कि आपके हार्ट के लिए भी अच्छी है। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं। प्याज को आपने यहाँ पर स्लाइस करना है और स्लाइस करना काफी इजी हो जाता है चॉपिंग से। बेसिकली हमें यहाँ पर बिरिस्ता बनाना है, यानी कि प्याज को डीप फ्राई करना है। अब उनको ऐसे स्लाइसेस में कर देना, पर ध्यान रहे, स्लाइस करने के बाद सारे प्याज को आप ऐसे तोड़ जरूर लेना। तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि अगर ये जुड़े रहते हैं तो सही से पक नहीं पाते, सही से फ्राई नहीं हो पाते और वो कलर इवनली नहीं आता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कोरमे में यहाँ पर ग्रेवी का इंग्रेडिएंट है, वो है प्याज। तो अब जैसे ही आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए, ये देखो आप छोटा सा पीस डाल कर देखना, अगर अच्छे से ऊपर आ जाता है तो अब गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना। ध्यान रहे, तेल हमें गरम करना है अच्छे से। जब वो अच्छे से गरम हो जाए, गैस मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए और फिर हम प्याज को यहाँ पर फ्राई करेंगे बिल्कुल आराम से। हाई फ्लेम पे अगर हम कर देंगे तो प्याज जो है वो जल जाएंगे, बिरिस्ता सही से बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। और अब अपने आप ही देखोगे कि पहले पहले जो ये बुलबुले हैं, यानी कि जो झाग बन रही है, उसका मतलब ये है कि प्याज यहाँ पर मॉइस्चर छोड़ रहे हैं, अपने अंदर का पानी छोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये पानी भी गायब हो जाएगा, यानी कि ये बबल्स भी गायब हो जाएंगे और प्याज में हल्का हल्का सा कलर आने लग जाएगा। ये देखो आप, आने लग गया है ना कलर। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ये प्याज में हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए, थोड़ा सा भी कलर आने लग जाए, तो आप मान के चलना कि आपको अपनी आंखें और कान दोनों खोल के रखने हैं। प्याज को आप स्टर करते रहना ताकि सारे इवनली पक पाए और फटाफट से थोड़ा और कलर आ जाए। ये देखो इस स्टेज तक जब कलर आ जाए, अब इसको फटाफट से निकाल देना। प्याज में कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है, जिससे कि बिरिस्ता जलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी शायद प्याज पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन आप खुद ही देखना, थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनमें कलर आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और तभी मैंने बोला था मीडियम फ्लेम पर करना, ताकि कंट्रोल्ड रहे कुकिंग। बस ऐसे ही मैंने दूसरा लॉट भी फ्राई कर लिया है। बस ध्यान देना प्याज में, जैसे ही ये बुलबुले गायब होने लग जाएंगे ना, हल्का हल्का कलर चढ़ जाएगा प्याज में, तभी आपने ध्यान देना है प्याज का। और आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दोनों टिश्यू पेपर में प्याज अच्छे से निकाल दिए हैं। जो लेफ्ट साइड वाला है ये अभी फ्रेश लॉट है, और जो राइट साइड वाला है आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट वाला लॉट है और इसमें कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है, पड़े पड़े। ये देखो मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी दिखाता हूँ, है ना एकदम क्रिस्पी। ऐसा प्याज चाहिए, तभी जब प्याज की चीनी अच्छे से क्रिस्टलाइज होगी ना, तभी इस ग्रेवी का स्वाद आएगा जब प्याज एकदम बढ़िया तरीके से पके होंगे, इवनली पके होंगे। अब हमारी बिरिस्ता की तैयारी तो हो गई है, तो हम बाकी चीजों की तैयारी कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पर अदरक ली है, अदरक के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू लिए हैं, ऑप्शनल है पर काजू से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने एकदम गर्म पानी में रखा है। आखिर में आपको यहाँ पर दही चाहिए होगी एक कप। हाँ, पर ध्यान रहे, एक कप दही को आप अच्छे से छान जरूर लेना। अगर आप छानोगे नहीं तो पक्का पकाते पकाते दही फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और हाँ, ये जो अदरक है, अदरक को आप ऐसे लच्छों में काट लेना। कोरमा बना रहे हैं तो मसाला भी बढ़िया ही होगा। आपको यहाँ पर काफी सारा धनिया पाउडर चाहिए होगा, साथ में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, कलर के लिए आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा, और हाँ, तीखा बनाने के लिए नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। और खड़े मसालों में आपको एक बड़ी इलायची चाहिए, लौंग चाहिए, काली मिर्च चाहिए, दालचीनी चाहिए, और हाँ, ये थोड़ी सी छोटी इलायची है। बस ये सारी आप चीजें आपको चाहिए। और अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं वेज सोया कोरमा। बस आपने अब ये जो बिरिस्ता है, जो ब्राउन अनियंस हमने करके रखे थे, उनको आपने मिक्सी में डालना है। साथ में आप यहाँ पर जो भीगे हुए काजू है उनको भी डाल देना, और थोड़ी सी दही, ये वो वाली दही नहीं है, एक कटोरी दही जो हमने पहले छान के रखी थी वो वाली नहीं है, ये अलग से मैंने थोड़ी सी दही डाली है। और बस आपने इसका पेस्ट बनाना है। अगर बाय चांस आपके प्याज अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहे तो आप बीच में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, ताकि एकदम फाइन पेस्ट आपको मिल जाए। आपको ऐसा ही पेस्ट चाहिए। अब पकाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घर में लॉकडाउन के टाइम पे हांडी तो है ही नहीं, लेकिन प्रेशर कुकर का स्ट्रक्चर भी हांडी जैसा ही है और ये रिजल्ट भी कुछ कुछ वैसा ही दे देगा। दूसरा बहुत जरूरी काम जो आपने करना है वो ये है, जिस तेल में आपने प्याज तला है उसी तेल का आप इस्तेमाल करना, और किसी तेल का मत करना, उसी तेल का करना, ताकि पके हुए प्याज का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आए। बस अब आपने इसमें यहाँ पर खड़े मसाले डालने हैं, और खड़े मसाले जैसे ही हल्के हल्के सिजल करने लग जाए आप यहाँ पर दही डाल देना, और फटाफट दही के साथ यहाँ पर पिसे हुए मसाले भी डाल देना। बहुत जरूरी है, नहीं तो दही फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मसालों को आप यहाँ पर अच्छे से दही के साथ मिला देना, बिल्कुल अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी दही फटने के कोई चांस ना हो। और फिर आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। अब आपने यहाँ पर तब तक भुनाई करनी है जब तक इससे तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता, और बेस्ट बात यहाँ पर ये है कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर दही को टमाटर से भी रिप्लेस कर सकते हो, 3 या 4 टमाटर से, लेकिन दही से ही बनता है कोरमा और उसी का ही स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब थोड़ी देर में ही देखना इससे तेल एकदम अलग होना शुरू हो जाएगा। ये देखो आप, हो गया है ना। तो बस ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप यहाँ पर प्याज का जो पेस्ट था, प्याज काजू हमने पेस्ट बना कर रखा था, वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देना। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कटे हुए अदरक के लच्छे भी डाल दिए हैं, और बस इसको आप अच्छे से मिलाना। और अब आपको यहाँ पर ज्यादा कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्याज तो ऑलरेडी पके हुए हैं, दही को हमने अच्छे से पका लिया है मसालों के साथ, और बस अब यहाँ पर सोया डालना है। हाँ, लेकिन सोया डालने से पहले आप यहाँ पर पानी जरूर डाल दें, क्योंकि ध्यान रहे सोया जो है वो पानी काफी एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालना थोड़ी सेफ्टी के लिए। और अब आप यहाँ पर सोया भी डाल देना, जो हमने ड्रेन करके रखा हुआ था ना वो भी आप यहाँ पर डाल देना, और सोया धीरे धीरे करके सारे मसालों का फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये बहुत बढ़िया कोरमा निकल कर आएगा। आप यहां पर इसको ढक देना, और थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम से पकने के लिए छोड़ देना, लगभग 5-7 मिनट के लिए। और 5-7 मिनट के बाद आप खुद ही देखना इससे तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, और आप देख सकते हो क्या लाजवाब कलर आया है इसका, है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बस एंड की थोड़ी सी चीजें डालनी है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, और 1 चम्मच आपको यहाँ पर केवड़ा वाटर डालना है। देखो, केवड़ा वाटर बहुत इजीली ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई भी स्टोर में भी मिल जाता है अगर आप ढूंढोगे। और केवड़ा जो है वो चावलों का, स्पेशली कोरमे का, बिरयानी का, इन सब का फ्लेवर बहुत इन्हांस करता है। इनफैक्ट केवड़ा कबाबों में भी डलता है, और सच में ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर देता है, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डालना, एंड दैट्स इट, आपका वेज सोया कोरमा बनकर पूरा तैयार है ना दोस्तों। बहुत ही सिंपल, ज्यादा मेहनत नहीं है, और बिल्कुल वही चिकन वाला स्वाद जो कि आजकल आप अवॉइड कर रहे हो, वो आप इस सोया के साथ एंजॉय कर सकते हो, और आपका दिल खुश हो जाएगा ऐसे टाइम पे।
तो दोस्तों आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी आपकी दादी की, नानी की कोई स्पेशल रेसिपी है और आप शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हो olive.in/bharatskitchen पर। मैंने उसका नीचे लिंक दे दिया है और आप भी जीत सकते हो स्पेशल गिफ्ट हैम्पर ओलिव एक्टिव ऑयल की तरफ से।